समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हाजी कराम कुरैशी को गबन और धोखाधड़ी के आरोप में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। बिजली बिल का बकाया जमा करने की फर्जी रसीद बनाने के आरोप में हुई थी सजा। हालांकि हाजी कराम कुरैशी सपा सरकार में रह चुके हैं दर्जा प्राप्त मंत्री, तो मुरादाबाद देहात सीट से रह चुके हैं विधायक। सपा छोड़ 2022 का चुनाव कांग्रेस से लड़कर हार गए थे हाजी कराम कुरैशी। अभी कांग्रेस में नेता सन 2000 में गलचित थाने में बिजली विभाग की ओर से दर्ज हुआ था केस। समाजवादी से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके और वर्तमान में कांग्रेस नेता हाजी कराम कुरैशी को सन 2000 के बिजली विभाग के एक मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी मानते हुए 7 साल की सजा व जुर्माने के साथ सुनाई है। कोर्ट के निर्णय के बाद हाजी कराम कुरैशी को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। सजा सुनाए जाने के संबंध में अब हाजी कराम कुरैशी ने से पूछा गया कि कुछ कहना है, तो हाजी कराम कुरैशी ने कहा कुछ नहीं कहना, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है, कोर्ट का फैसला है, अपील करेंगे। वकील साहब, आज हाजी कराम कुरैशी पूर्व विधायक समाजवादी के अब कांग्रेस नेता है, एक सजा सुनाई गई है, क्या मामला था और किन धाराओं में सजा? वो मामला बिजली चोरी की रसीद फर्जी तरीके से इन्होंने तैयार करी थी, जिसमें अमाउंट करीब 6,88,054 रुपये का भरा गया था, जो विभाग की रसीद बुक में से फाड़ के बनाई गई थी। उससे संबंधित मामला था, जिसमें अधिवासी अभियंता द्वारा उस समय के इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इनको जो सजा हुई है आज 420, 467, 468 और 471 में हुई है, इसमें अलग अलग सजा गई है, मैक्सिमम सजा इन्हें 7 साल की हुई है। पहले बिजली चोरी की थी इन्होंने? नहीं, बिजली चोरी नहीं, बिजली रसीद जो थी रसीद बुक में से ना फर्जी, जो इनका बिल बकाया था उसका तैयार करे थे इन्होंने, वो फर्जी रसीद थी। तो क्या इन्होंने फर्जी रसीद छपवाई थी विभाग की या वहाँ से चोरी या फाड़ ली? विभाग के रसीद बुक में से फाड़ी थी, फिर इन्होंने दिखाया कि हमने उसमें अमाउंट भर के दिखा दिया था। हाँ, वो जमा करा था, न्यायालय द्वारा गहनता से अवलोकन करा गया, उसके पश्चात ही इनको पाया गया। माननीय अपन न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है वह सबके लिए मान्य और सराहनीय है। कितने साल की? 7 वर्ष की। 420 में 5 वर्ष की सजा हुई है, 467 में 7 वर्ष की हुई है, 468 में 2 वर्ष की और 471 में भी 2 वर्ष की हुई है। कुछ जुर्माना भी लगाया गया है, 420 में 1,500 रुपये के साथ इनको अर्थदंड लगाया गया है और बाकी सब में 2,000 रुपये।